शहर के जालिया रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल में पायल्स का उपचार कराने गए एक रोगी का पायल्स ऑपरेशन के बाद दौरान उपचार मौत हो गई। रोगी की मौत की घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल के बाहर हंगामे की सूचना के बाद श्री थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही तथा उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान हॉस्पिटल में घटित हुई घटना की जानकारी पर जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेते हुए परिजनों तथा घटना की हॉस्पिटल प्रबंधन के भी समझाइश की। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक चले समझाइश के प्रयासों के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उचित मुआवजे पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया। जानकारी के अनुसार जवाजा के बाड़िया अजबा निवासी 36 वर्षीय समदो सिंह पुत्र हरि सिंह रावत गत 25 जुलाई को पायल्स की शिकायत पर अपना उपचार कराने के लिए जालिया चौराहे पर स्थित आनंद हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। 28 जुलाई को समदो के पायल्स का ऑपरेशन डॉक्टर पीसी गंगवाल तथा उनकी टीम द्वारा किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद समदो को पेशाब नहीं आने की शिकायत हुई, जिस पर परिजनों ने बार बार अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने समदो की कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद रात को वार्ड में उपस्थित कंपाउंडर ने समदो को इंजेक्शन लगा दिया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बावजूद इसके समदो का दर्द ठीक नहीं हुआ। 29 जुलाई को भी परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन द्वारा समदो के दर्द होने की शिकायत की गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लापरवाह बना रहा और उसने रोगी की कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा समदो की मौत की सूचना रविवार सुबह दी, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हॉस्पिटल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस घटना की जानकारी पर कांग्रेस नेता मनोज चौहान, विधायक शंकर सिंह रावत, भाजपा नेता इंद्र सिंह बागावास, महेंद्र सिंह रावत, डूंगा सिंह रावत तथा जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही श्री थाना अधिकारी बुराराम खिलेरी भी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही तथा उचित मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। करीब 2 घंटे तक थाना प्रभारी बुराराम खिलेरी की समझाइश के बाद उचित मुआवजे पर परिजनों और हॉस्पिटल प्रबंधन के बीच सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया। को कोई पाइल्स की बीमारी से भर्ती हुआ था, समदो सिंह और शरण सिंह, इनकी रात को डेथ हो गई। फिर रात को ये डेड बॉडी ले गई, सुबह ले गए तो कल अलग अलग वजह से कोई डॉक्टर बिजी थे तो वो सुबह आए नहीं, तो उनके बीच में एक कई बातों को लेकर गलतफहमी हो गई, तो ये भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब से बातचीत की, बातचीत में इन्होंने बताया कि इस तरह की सिचुएशन रही, तेज़ बुखार की वजह से इसकी मौत हुई। इस पर काफ़ी जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, MLA साहब या जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं सब आए हुए थे, इनकी आपस में बातचीत हुई और इन बातचीत से संतुष्ट होकर ये चले गए। अब इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इन्होंने रिपोर्ट दी है कि भाई मेरे भाई की प्रकृति मौत हो गई है, जांच की जाए, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, देखी निकाल की जाए। इक्कीस वर्षों से संचालित आपके शहर में प्रदीप पेट शॉप भवरलाल गोठी स्कूल के पास, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के ब्रांडेड डॉग फूड, डॉग एसेसरीज, ट्रीट्स, डॉग सप्लीमेंट्स और साथ ही विश एक्वेरियम की विशाल रेंज में फिश फूड, फिश एसेसरीज, एक्वेटिक फिशेज व बर्ड केज, बर्ड फूड वाजिब दाम पर उपलब्ध है। और साथ ही ब्यावर का पहला एकमात्र डॉग पार्लर, जहां कटिंग, ग्रूमिंग, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही चले आए प्रदीप पेट शॉप भंवरलाल गोठी स्कूल के पास, कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9928475861।